हेलो एंड वेलकम आर 90 पे देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा। दोस्तों आज के डेट में हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन है तो हर कोई सेल्फी लेता हुआ ही नजर आता रहता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि सेल्फी को हिंदी में क्या कहते हैं या यूं कहें कि सेल्फी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? नहीं ना, तो चलिए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सेल्फी का हिंदी ट्रांसलेशन बताया गया है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट में एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में उन्होंने अपनी एक पिक्चर शेयर की है और पिक्चर के साथ उन्होंने बताया है कि एक्चुअली सेल्फी को हिंदी में क्या कहते हैं। अमिताभ बच्चन जितना ज्यादा पर्दे पर एक्टिव नजर आते हैं उतना ही वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। चाहे किसी टॉपिक पर अपना विचार रखना हो या कोई जोक उन्हें पसंद आया और उन्हें फैंस को सुनाना हो, ट्विटर के जरिए वो जरूर सुनाते हैं। शायरी से लेकर कविताएं और फनी जोक्स हमेशा अमिताभ बच्चन शेयर करते रहते हैं और अब अमिताभ ने इंग्लिश वर्ड सेल्फी का मतलब हिंदी में बताया है जो वाकई मजेदार है। सेल्फी का मजेदार हिंदी ट्रांसलेशन सुन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अमिताभ ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में बिग बी ने एक ब्लैक एंड व्हाइट सेल्फी शेयर की है जिसमें उनके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल भी नजर आ रही है। चेहरे पर ब्लैक चश्मा काफी जच रहा है और सिर पर टोपी भी है और इसी पिक्चर के कैप्शन में बिग बी ने सेल्फी का हिंदी मतलब बताया। उन्होंने सेल्फी का हिंदी अर्थ बताते अपने पोस्ट में लिखा, व्यक्तिगत दूरभाषित यंत्र से हस्त उत्पादित स्वचित्र वदयस उसच। फोटो में अमिताभ की हंसी और सेल्फी का हिंदी ट्रांसलेशन आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगा। आपको भी इसका मतलब समझ नहीं आएगा। खैर सेल्फी का हिंदी शब्द भले ही वदयस उसच हो लेकिन इसे सेल्फी कहना ज्यादा आसान है। तो है ना, सेल्फी का हिंदी बहुत ही मजेदार। एक बार तो सुन के ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है। इससे अच्छा यही है कि आप सेल्फी को सेल्फी ही बोले। कैसा लगा आपको सेल्फी का हिंदी ट्रांसलेशन, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।